सिर्फ इतना कर सकते हो कि भाई अभी मेरे हाजिरी में, मेरे टेबल पे, मेरे बाजू में तुम नहीं बैठ सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप फैमिली के साथ बैठे हो, वो बात नहीं है, मगर आप उसको एक ऐसी जगह पे बैठने के लिए कहो कि भी ये टेबल है ना, ये छोड़ो, बाजू का ही टेबल, आप बैठो आराम से, जो खाना है वो खाओ। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसको, आप जो खा रहे हो वो उसको नहीं खाना है, उसको जो खा रहा है वो आपको नहीं खाना है, उसको वो थोड़ा इन्फीरियर फील होता हो कि भाई मैं बॉस के सामने, उसी के टेबल पे, उसी के सामने बैठकर मैं नहीं खा सकता। उसके लिए भी तो विनय विवेक है आपके लिए, उसके लिए ये विनय विवेक है, वो मना कर रहा है, नहीं आप खाना खा लो, मैं बाद में ले लूंगा, मैं बाहर से ले लूंगा, मैं कहीं और बैठ के खाऊंगा। आपका विनय विवेक क्या है? ठीक है, तू मेरे बाजू में मत बैठ, पर तू बाजू के टेबल पर तो बैठ सकता है, आराम से बैठ। ये आपका विनय, ये आपका उसके प्रति विवेक। लेकिन अगर नफरत कर दी ना, एक बात समझ लेना, ज्यादा प्रेम कर्म बांधेगा, ज्यादा नफरत भी कर्म बांधेगा। जैसे ज्यादा प्रेम है ना, वो आपके रूटीन काम से, रूटीन कर्म से आपने कुछ ज्यादा खींचा है, दिल दिमाग दोनों लगा दिया है, बहुत इंटीमसी से प्रेम किया है, बहुत इंटीमसी से, मैं मेरे बच्चे का बहुत ध्यान रख रही हूं, बहुत ध्यान रख रही हूं, सिर्फ ये जताने के लिए, ये इंटीमसी है ना, वो जितनी ज्यादा स्ट्रांग इंटीमसी, इतना हमारा कर्म निद्धत निकाचित बनेगा ही बनेगा। निकाचित कर्म बनने के लिए इंटीमसी जिम्मेदार होती है, ये इंटीमसी अगर निकल गई तो हमारे कर्म निद्धत निकाचित कभी नहीं बने, कभी नहीं। तो स्ट्रांग बिहेवियर, स्ट्रांग फीलिंग, स्ट्रांग प्रेम, स्ट्रांग डिमांड, गहरा प्रेम, गहरी नफरत, गहरा अटैचमेंट, ये सबसे हमें डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच जितना गहरा, जितना ज्यादा गहरा, देखो समझो एक बात को समझो, आप वो जब चैत्र महीने में लिंबड़े की लिंबोड़ी होती है, पान, उसका आप उकाला बनाते हो, आप वो ग्राइंड करके पीते हो, नौदी कड़वा होता है, अगर आपने एक पूरा ग्लास भर के उसका निंबोड़ी का रस निकाला है ना, उसको आप स्पृष्ट मानोगे, मतलब ये नॉर्मल है, उसमें कड़वाहट तो होती है मगर ये नॉर्मल है, वो पूरा ग्लास भरा हुआ है, आपने उसको उबाला थोड़ा और पौना ग्लास कर दिया, पौना ग्लास, उसमें पहले से कड़वाहट बढ़ गई, उसको आप क्या बोलोगे? बद्ध बोलोगे, आपके दूसरे प्रकार की इंटीमेसी। अगर उसको आपने और उबाला, आधा ग्लास हो गया, ये निद्धत हो गया, इंटीमेसी बढ़ गई, कड़वा हट बढ़ गई, और अब आपने इतना उकाला, इतना उकाला, इतना कर दिया, पाव कर दिया, पूरा एक ग्लास था उसको पाव कर दिया, आप सोचो कितनी कड़वा हट बढ़ गई होगी, सोच सकते हो, ये बिल्कुल कड़वा हो चुका है। एक ग्लास का शरबत अगर आपने पाव ग्लास कर दिया वो करेले का, तो वो बिल्कुल कड़वा हो गया, अब ये निकाचित है, इतना कड़वा आप उसको पी भी नहीं सकते। कहीं पे टीवी चालू है? प्लीज चेक करो, प्लीज कोई जरा चेक करो, टीवी चालू है? जो पार्टिसिपेंट है जरा देखिए, प्लीज टीवी चालू है, आप बंद कर दो माइक, ठीक है? तो ये तरीका होता है किसी भी चीज को स्पृष्ट बद्ध निद्धत और निकाचित कर्म के इंटीमसी तक जानने का। अब आप ही सोच सकते हो कि आपके अंदर, आपके, आप जो बेटे को ज्यादा प्रेम करते हो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, आप ये समझ सकते हो कि आपकी इंटीमसी कौन से स्टेज की है। नॉर्मल प्रेम से ज्यादा प्रेम होना मतलब इंटीमसी है, अब वो इंटीमसी कितनी ज्यादा गाढ़ी है,
क्या बहुत ज्यादा गाड़ी है? अगर बहुत ज्यादा गाड़ी है तो निकाचित है। निकाचित मतलब अब जब तक दूसरे तीसरे चौथे जन्म में भी ये सामने आएगा ही आएगा, तो जब चौथे जन्म में आएगा, पांचवे जन्म तक आएगा, तो ये पांचवे जन्म तक कर्म तो अप डाउन होने ही होने। उससे आपको अभी तकलीफ भी मिलेगी, प्रेम भी मिलेगा। आप एक दिन ज्यादा प्रेम करोगे, दूसरे दिन गुस्सा करोगे, तीसरे दिन ज्यादा प्रेम करोगे, चौथे दिन गुस्सा करोगे, तभी तो वो परंपरा चलेगी लंबी। निद्दत है, निकाचित है, परंपरा चलनी ही चलनी है, और परंपरा चलनी चलनी है तो उससे ट्रांजेक्शन भी ज्यादा होगा। ज्यादा ट्रांजेक्शन वन वे तो होता नहीं कभी। आप अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो क्या वन वे ट्रांजेक्शन होता है क्या? कहीं से आप लोगे तो कहीं पे दोगे, लेवड़ देवड़ दोनों होगी। अगर ये ट्रांजेक्शन घटाने हैं, अगर ये लेती देती कम करनी है, तो आपको इंटीमसी घटानी है। इंटीमसी आपको ही घटानी है, क्योंकि इंटीमसी ज्यादा आपकी खुद की है। ये इंटीमसी को हम हिंदी में, गुजराती में, हिंदी में क्या कहेंगे? बहुत से नाम है, इच्छा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा। जितनी गहरी महत्वाकांक्षा ना, जितनी गहरी उतना आपका टारगेट, ये सारा उसका ये इच्छा। इच्छा का मतलब क्या? मेरा टारगेट। आप अगर सोचोगे इस साल मेरी कंपनी 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन करे, आपकी इच्छा हुई कि नहीं हुई है? ये दूसरा, उसका दूसरा नाम क्या है? आपकी इच्छा, आपकी डिजायर, आपकी महत्वाकांक्षा। और ये जितनी स्ट्रांग, जितनी ज्यादा आप डाल के करोगे, अपना दिमाग, अपना दिल सब उसके अंदर इन्वॉल्व होके, ये सारा वेबिनार में वही तो सिखाते हैं। वेबिनार में सिखाते क्या है? वेबिनार आप देखो, बहुत से आपको फेसबुक पे मिलेंगे, रातों रात पैसा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप ये वेबिनार अटेंड करो। आती कि नहीं आती एडवर्टाइज? ये सारा है क्या? आपकी इंटीमसी को हायर करने के तरीके, आपकी इच्छा, आपकी अपेक्षा, आपका कार्य इतना हायर करो, आपके दिलो दिमाग पे आपका काम छा जाना चाहिए। अब क्या होगा? इससे कर्म कम होगा या बढ़ेगा? क्योंकि आप जितने ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, उतने ज्यादा वर्कोहॉलिक होते जाओगे, और जितना ज्यादा वर्कोहोलिक है उतना ही हर किसी व्यक्ति की अपेक्षा आप पूरी कर सकोगे। हमारे अपने ही घर के खुद के तीन बच्चे, मेरे अपने ही तीन बच्चे, क्या मैं तीनों की अपेक्षा पूरी कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। मेरे घर में मेरी फैमिली, सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, 6-7 लोगों का फैमिली, क्या मैं 7 लोगों की अपेक्षा एक समय में एक साथ पूरी कर सकती हूँ? नहीं कर सकूंगी तो कर्म बनते रहेंगे। एक को दिया, दूसरा रह गया, वो जो रह गया उसने मुझे कुछ सुना दिया, होता है ना ऐसा? आज मैंने एक बच्चे के लिए अच्छी चीज बना दी तो दूसरा बोलता है हाँ तू तो ये बनाएगी, तू वो तेरा लड़का है। सुनते हैं ना हम, ये तो रोज सुनते हैं, रोज बच्चे हमको बोलते हैं कि ये तो तेरा लड़का है, तू करेगी। उसको हम दो जवाब दे देंगे, बात तो रोकेंगे नहीं, हम खुद भी नहीं रोकेंगे। हम इसीलिए जवाब देंगे क्योंकि ऐसा नहीं है तो आप जवाब दोगे तो सामने से और दो जवाब आएंगे, उसको आप और दो जवाब से उसका मुंह बंद करोगे, तो ट्रांजेक्शन तो शुरू हो गया। अब ये कर्म खपा या नया बंधा? अब नया बंधा तो कौन सी इंटीमेसी से बंधा?
फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड निधत और निकाचे, कौन सी इंटीमेसी में बंदा है? इसकी जगह सोचो, इसकी जगह जब पहली बात हुई आपने एक चीज एक व्यक्ति के लिए एक चीज बनाई, तब ही आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे मेरे लिए तीनों एक जैसे हैं। अगर मैं आज एक चीज बनाऊंगी उसकी जगह मैं सब बच्चों के लिए अच्छी चीज बनाऊ, तो आपका ट्रांजेक्शन पहली ही डिमांड स्पर्श से ही खत्म। जैसे ही दूसरा बच्चा बोलेगा तूने इसके लिए बनाया मेरे लिए बनाया, हाँ बेटा ले ये तेरे लिए मैंने आज ये बनाया। अब तीसरा पूछेगा हाँ बेटा तेरे लिए मैंने ये बनाया, आपका कर्म पहले ही स्टेज में खत्म। क्यों? क्योंकि आपने ये सोचा कि मुझे एक के लिए नहीं, जो भी करना है सबके लिए करना, मुझे सबके लिए समान चीज करनी। आपने ये सोचा इसके लिए ऐसा किया, वो किया वही आपका कर्म समापन करने में काम आया। मतलब अगर हम उसको समाप्त भी कर सकते हैं ना, तो वो खुद हम ही कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाला जब उसको चीज मिल जाती है तब वो डिफरेंसेस नहीं देख पाएगा और वो नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो रूट को कौन खत्म कर सकता है? आप खुद। और किसे रूट को खत्म करना चाहिए? आपको खुद को। ठीक है, ठीक है, आज का ये टॉपिक था। आज अभी हम ये ध्यान शुरू करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स। आज टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स है तो उसके लिए हमें टाइम रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ध्यान शुरू करो। ध्यान करना बहुत आवश्यक है, उसके लिए मुझे आपको आज ध्यान से पहले 5 मिनट है, मैं आपको एक सिस्टम बताना चाहती हूँ कि ये ध्यान अध्यात्म के लिए क्यों जरूरी। आज हम ये सिर्फ मैं बताऊंगी, डिस्कस बाद में करेंगे। देखो कभी कोशिश करो आप अपना हाथ ऐसे रखने की, एक मिनट दो मिनट के अंदर अंदर आप वाइब्रेशन फील करोगे। आपको लगेगा कि दूसरे हाथ से ये हाथ में एनर्जी, दोनों हाथ की एनर्जी मिल रही है। एक ही मिनट में पता चल जाएगा। फिर देखो ये एनर्जी कहां तक मिल रही है, यहां से मिल रही है, यहां पे ले जाओ, जहां तक मिलती है वहां तक आप हाथ दूर ले जाओ और फील करो। मेरी एनर्जी यहां भी पास ऑन हो रही है एक हाथ से दूसरे हाथ में। आपको तुरंत पता चल जाएगा हथेली से एनर्जी निकलेगी, घूमेगी, आपको लगेगा मेरी हथेली में कुछ घूम रहा है। हिल रहा है कुछ? बताना बाद में, अभी खाली एक्सपेरिमेंट करो। देखो आप, बस देखो आप, देखो आप। बस मेरे मुझे यहां पे ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी स्लो हो गई। ये मैं आपको समझाना चाहती हूं, आपकी जो ऑरा बनती है शरीर के आसपास का कॉर्डन, ये एनर्जी है जो ये हाथ से ये हाथ में महसूस कर रही है एनर्जी। इस ये हाथ इसको दे रही है, ये एनर्जी इसको दे रही है। आपको पता होगा जब हम किसी भी गुरु के पास या किसी के भी माथे पे जब हाथ रखते हैं ना, तो शांति फील होती, हमें एक सुकून मिलता है अगर कोई माथे पे हाथ रख दे तो। क्योंकि वो हाथ की एनर्जी, जो व्यक्ति जितनी एनर्जेटिक है, जितनी पॉजिटिव एनर्जी वाली है, उसकी एनर्जी हमारे शरीर में या हमारे शरीर के आसपास आए तो हमारी बॉडी में वो जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकाल सकती। आपको ये पता होगा कि जब चक्रों की साधना होती है या ये होती है, तो गुरु का हाथ अगर माथे पे आ जाए तो आपके चक्र एक्टिवेट होना भी शुरू हो जाते हैं।
हम ये समझेंगे कि ये ध्यान और साधना या आपका एनर्जी लेवल ध्यान से कितना बढ़ सकता है। जब आप ध्यान कर रहे हो, जब आप हाथ ऊपर लेकर जा रहे हो और ब्रीदिंग बंद करके ये पूरी बाहर से एनर्जी लेके आप अपने चक्रों में पास ऑन कर रहे हो, ये बाहर की एनर्जी आपकी बॉडी में आई और अंदर वो शुद्धिकरण करेगी, जिसकी वजह से आपकी आसपास की ऑरा मजबूत होती जाएगी और उसका फीलिंग आपको ऐसे मालूम पड़ेगा। आप इतना हाथ दूर रखोगे, एक मिनट दो मिनट बाद उसको एनर्जी को फील करोगे। जैसे ये एनर्जी हाथ में घूमना शुरू हो जाए, आपको शांति के वातावरण में करना है। देखो अभी मेरे दोनों हाथ में घूम रही है, तो आपको चेक करना है ये कहां तक घूम रही है। और जैसे जैसे आप ये सात चक्रों का ध्यान ज्यादा करोगे, मतलब अगर इतना ही करना है, सात या दस या ग्यारह, मगर ये चक्र की वजह से ही आपके आसपास की एनर्जी मजबूत होती जाएगी। इतनी मजबूत होगी, इतनी जैसा ये दायरा बढ़ेगा आपके आसपास का एनर्जी का दायरा बढ़ेगा, और ये दायरा ऐसा बढ़ेगा आपके आजू बाजू ऑरा को इतनी मजबूत करेगा कि किसी का टोना टोटका, किसी का ब्लैक मैजिक आपको कुछ नहीं कर पाएगा। इतना शुद्धिकरण। अच्छा, दूसरा एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हम कर्म के सिद्धांत के थियरी पे चल रहे हैं। मुझे अगर मेरे आत्मा के ऊपर लगे सारी दसों के दसों संगना और मेरे बाकी के छह शरीर, आत्मा तो एक शरीर, वो कार्मण शरीर लेकर आती ही है, लेकिन छह शरीर इस जन्म के, ये बिंदु के छह शरीर है, मुझे अगर इन सबके ऊपर से मेरा ब्लैक एनर्जी का लेवल हटाना है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी ध्यान से ही अंदर आ सकती है। बिना ध्यान नहीं, ध्यान में कोई भी व्यक्ति जो ध्यान करेगी वो ध्यान का मिस यूज, मतलब उसका मिस घोटाला बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप 5 ओम करो लेकिन परफेक्ट करो, 3 ही करो परफेक्ट करो, 10 या 11 किया बहुत अच्छा है, उससे ज्यादा करना भी नहीं। मगर ये ध्यान आपके बाहर से ब्रह्मांड की एनर्जी को इंटेक करने में बहुत हेल्पफुल है, और आप अपने आत्मा के प्रदेशों के ऊपर से जितनी भी ये नेगेटिव वर्गना है, जो कार्मण वर्गना, जो आत्मा साथ लेकर घूमती है हर जन्म में, उन सबको हटाने के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमारे कर्मों को अपने आप वो निधत निकाचित निकाचित हमें भोगने, लेकिन निधत और बद्ध वाला स्पृष्ट पे अपने आप हो जाएंगे, अपने आप आपकी इच्छा कम होनी शुरू हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत आपको सपोर्ट करने लग जाएगी, अगर अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई तो। ये ध्यान का लेवल, आपका ऑरा का लेवल, आपकी एनर्जी का लेवल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बगैर हम इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जितना इसके बगैर आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, इसका महत्व समझो। बस शुरू करो, सांस भरना शुरू करो,
शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। दृष्टि दो भ्रमर के बीच में और अंदर से बिल्कुल शमन करना है। जैसे दूध उबाल आने के बाद शांति से बैठ जाता है नीचे, उसी तरह हमारे सारे विचार, दृष्टि, सोच सब बिल्कुल शांत हो जाए।